हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवपुरी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट ऑर्डर को लेकर है। जीएसटी में काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन जो है रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल किए जा रहे हैं, उनको लेकर यहाँ पर काफ़ी बड़ा ये डिसीजन आया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे काफ़ी सारे ऐसे ऐसे हैं जिनको यहाँ पर ऐसे रिलैक्सेशन मिल सकती है। जब भी आपका ऐसा कोई ऑर्डर पास हो या अगर रिप्लाई भी अगर आप करने जा रहे हैं, तो आपको जो है प्रॉपरली इस वाले इंस्टॉलमेंट ऑर्डर को मैंसन करना है। आप इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है आप ऑनेबल कोड की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिपीटेशन नंबर से भी है और यहाँ पर जो ऐसे सी ए नेम से भी सर्च कर पाएंगे आप। यहाँ पर ऐसे क्या फैक्ट्स थे, किस तरीके से कंसिडर किया गया है, इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। काफ़ी शॉर्ट में ही वीडियो रहने वाला है और इसी टाइप के काफ़ी सारे वीडियो जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर टाइप के नोट्स के रिप्लाई, अपील कैसे फाइल करनी है, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, उनके क्या ड्राफ्ट फॉर्मेट्स रहने वाले हैं, उन सब की सॉफ्ट कॉपी जो है वो अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां से आप डायरेक्ट उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग बाद में उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें यहाँ पर जो है इस वाले इंस्टॉलमेंट ऑर्डर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, वो भी आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर पूरा मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या नोटिस था, क्या रिक्वेस्ट यहाँ पर की गई है और ऑनरेबल कोर्ट ने उसको किस तरीके से यहाँ पर कंसिडर किया है। तो यहाँ पर जो है ऐसे सीनियर रिट पिटीशन फाइल की है। यहाँ पर जो है पिटीशनर का ये कहना है कि ऑर्डर है जो कि जून में फाइल किया गया था, जून में पास किया गया है और इसमें जो है उनका जीएसटी नंबर जो है वो कैंसिल कर दिया गया। जो कैंसिलेशन की डेट है, देखिए किया तो 21 में है लेकिन बैक डेट में कैंसिल कर दिया 2017 से लेकर। अब यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि इसमें जो भी सप्लाई की गई है उनका क्या होगा। टाइम पन जो ऑर्डर डज नॉट इंडिकेट एन रीजन फॉर कैंसिलेशन द पेटिशनर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट रेफरिंग टू द सोकोज नोटिस। जो यहाँ पर इंपन जो ऑर्डर पास किया गया है उसमें कोई रीजन अलग से नहीं लिखा गया है। तो देखिए हर टाइप के नोटिस में यही हो रहा है, जो भी ऑर्डर पास किए जा रहे हैं उन्हें प्रॉपरली तरीके से पास नहीं किया जा रहा है। सब में बस ये एक लाइन लिख जाती है कि एज पर द रेफरेंस टू द सोकोज नोटिस। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। पेटिशनर वाज इश्यूड द इंपन सोकोज नोटिस एंड कॉल्ड अपॉन द पेटिशनर टू सोकोज नोटिस एज टू वाइट रजिस्ट्रेशन नोट बी कैंसिल। इनके पास जो यहाँ पर सोकोज नोटिस पहले आया था तो उसमें ये लिखा गया था कि आप ये बताइए कि आपको सोकोज नोटिस भेजा जा रहा है कि आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल क्यों ना कर दिया जाए। ठीक है, ये बात इनसे बोली गई यहाँ पर, क्योंकि आपने जो है जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की। लगातार 6 महीने तक जीएसटी रिटर्न फाइल ना करने के चार्ज यहाँ पर लगाए गए और इनसे कहा गया कि आपका रिटर्न कैंसिल क्यों ना किया जाए। द पेटिशनर वाज कॉल्ड अपॉन टू फाइल द रिप्लाई टू द इंपन सोकोज नोटिस विद इन द पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज। और यहाँ पर जो है इनको टाइम लिमिट भी दी गई, 7 वर्किंग डेज की टाइम लिमिट दी गई कि जी आप जो है यहाँ पर 7 वर्किंग डेज के अंदर जो है रिप्लाई करें। पेटिशनर वॉज ऑल्सो पुट टू नोटिस दैट इफ द पेटिशनर डिड नॉट अपियर फॉर पर्सनल हियरिंग। और यहाँ पर यह भी लिख दिया है कि जो पेटिशनर है अगर वो अपियर नहीं होते हैं पर्सनल हियरिंग के लिए अपॉइंटेड डेट पर, जो केस है वो डिसाइड हो जाएगा एक्सपायर से। ये भी इन्होंने सब चीज़ लिख दिया नोटिस में भी। यहाँ पर जो है इस तरीके की चीज़ें बनाई जा रही है। एडिशनली द पेटिशनर जीएसटी रजिस्ट्रेशन वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट। और जिस दिन सोगोज नोटिस आया था वहां से जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो भी यहाँ पर इनका सस्पेंड था। इट इज मटेरियल टू नोट दैट द इम्पन सोगोज नोटिस डिज नॉट परपोज कैंसिल ऑफ पेटिशनर जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये सबसे ज्यादा मैटर पॉइंट आ रहा है और आपको भी ये मैटर पॉइंट इस टाइप की चीजें जो आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करनी है कि जो ये रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन वाली बात है, ये किसी भी नोटिस में या किसी भी अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है उसमें क्लियरली मेंशन होना जरूरी है। अगर ये मेंशन नहीं हो रखी है तो फिर आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये गलत है। डिपार्टमेंट को इसके बारे में प्रॉपरली यहाँ पर रीजनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऑल्दो द पेटिशनर वाज पुट टू द नोटिस दैट इन केस द पेटिशनर फेल टू अपेयर फॉर पर्सनल हियरिंग इट इज अपॉइंटेड डेट एंड टाइम केस वुड बी डिसाइड एक्सपायर से। इन्होंने डेट ऑफ टाइम और वेन्यू सब कुछ दे दिया यहाँ पर। अगर पेटिशन यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो एक्सपायर से पास कर दिया जाएगा। हाउ एवर नो डेट और टाइम फॉर पर्सनल हियरिंग वाज मेंशन इन द सोकोज नोटिस। लेकिन टाइम और डेट तो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई किस दिन यहाँ पर जो है उनको प्रेजेंट होना है। इन व्यू ऑफ द अबव वी फाइंड मेरिट इन द कंटेंशन ऑफ द पेटिशन दैट पेटिशनर रजिस्ट्रेशन कुड नॉट हैव बीन कैंसिल। इसीलिए यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने चीज कंसिडर की यहाँ ये बिल्कुल सही है पेटिशनर की कंटेंशन कि जो रजिस्ट्रेशन है वो ठीक है कैंसिल की बात हो रही है कि अगर इनको कैंसिल किया भी जा रहा है तो रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिल नहीं होना चाहिए विदाउट अफोर्डिंग द पेटिशनर अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग। जब तक इनको पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती है कि इनका जीएसटी कैंसिल किया जा रहा है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया जा रहा है, तब तक जो है
इनका जीएसटी बैक डेट से कैंसिल नहीं किया जा सकता है। हाँ, आपको करना है, अगर तो जो भी कंसिक्वेंसेज हैं जो आप आगे से कैंसिल करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी डेट से सोको नोटिस भेजा गया, जो डिपार्टमेंट जो पेडिसन की तरफ से जो लर्न काउंसिल है उन्होंने यहाँ पर सबमिट किया, स्टेट्स ओन इंस्ट्रक्शन दैट पेटिशनर हैज नो ऑब्जेक्शन इफ द पेटिशन रजिस्ट्रेशन रिमेन कैंसिल। इन्होंने कहा कि पेटिशनर जो है अब आगे बिजनेस नहीं करना चाहते हैं और इन्हें इस बात में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल रहता है। एंड द प्रेजेंट पेटिशन बी कन्फाइंड टू द क्वेश्चन बी कैंसिलेशन विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। उन्होंने कहा कि बस इनको यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि आगे से कैंसिल हो, जिस दिन से ऑर्डर आया है, जिस दिन वो पास की गई है, बैक डेट से कैंसिल ना हो। ही समिट्स दैट देयर इज नो प्लॉजिबल रीजन टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन टू कवर द पीरियड ड्यूरिंग विच द रिटर्न वाज फाइल्ड। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जिस टाइम पर एसएससी ने अपने रिटर्न को फाइल कर दिया तो उस डेट पर कैंसिलेशन का क्या मतलब है। ये तो बिल्कुल यहाँ पर जो है गलत तरीके से जो है डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक्शन लिए जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट वाली बात है। लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पॉन्डेंट, जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने स्टेट किया दैट इट वुड नॉट बी अपोजिट फॉर दिस कोर्ट टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन एज द प्रॉपर ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड। उन्होंने कहा कि सेक्शन 29 सेक्शन 2 के अंडर में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो ड्यूली एम्पावर्ड है, इस बात को यहाँ पर अपोज नहीं किया जाना चाहिए कि उन्होंने बैक डेट से कैंसिल क्यों करा अगर वो ऐसा चाहते हैं। ये समिट्स दैट द मैटर मे रिमाइंड टू द प्रॉपर ऑफिसर टू कंसिडर द एस्पेक्ट ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन पेटिशन आफ्टर हियरिंग द पेटिशनर। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आप जो है इसको रिमांड बैक कर दीजिए ताकि प्रॉपर ऑफिसर जो है इस कैंसिलेशन को एक बार वेरीफाई करें, जो पेटिशनर कह रहे हैं कि इनके टर्म्स को इनको चेक नहीं किया गया है, इनसे इनकी जो बातें हैं उनको नहीं सुना गया है, तो उनको भी यहाँ पर कंसिडर किया जा सके। इन द पैक्युलर फैक्ट्स ऑफ द केस, ये पैक्युलर फैक्ट्स हैं यहाँ पर केस के, बिल्कुल यहाँ पर ये इंडिकेट हो रहा है इस बात से डिले ऑन द पार्ट ऑफ द पेटिशनर टू अप्रोच दिस कोर्ट द सबमिशन मेड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट कमेंड्स टू दिस कोर्ट। इन्होंने जो है अप्रोच करने में भी डिले किया है। इन व्यू ऑफ द अबव द इम्पंज ऑर्डर इज सेट असाइड, फिर भी ऑनरेबल कोर्ट ने एसएससी के फेवर में यहाँ पर डिसीजन दिया और कहा कि जो इम्पंज ऑर्डर है उसको सेट असाइड किया जाता है एंड मैटर इज रिमांड बैक टू द प्रॉपर ऑफिसर। मैटर है उसको यहाँ पर जो है रिमांड बैक किया जा रहा है प्रॉपर ऑफिसर को। जो पेटिशनर है उनको टाइम दिया गया है 2 वीक्स का, यहाँ पर जो है इनको टाइम दिया गया है 2 वीक्स का फ्रॉम डेट जिस दिन ये जजमेंट ऑर्डर आया है कि यहाँ पर जो है आप 2 वीक्स के अंदर अंदर जो है ये जो जिस दिन ये जजमेंट ऑर्डर आया वहां से 2 वीक्स के अंदर अपने रिप्लाई को प्रॉपरली सबमिट कर लें। जब इनके रिप्लाई सबमिट हो जाएंगे उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर को डायरेक्शन दी गई है कि वो इनके रिप्लाई को प्रॉपरली कंसिडर करें एंड टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। सबसे मेन पॉइंट आता है कि वो जो है जो भी डिसीजन लें उसमें प्रॉपरली रीजनिंग सब कुछ होना जरूरी है आफ्टर अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी। इनको जो है अपॉर्चुनिटी देते हुए यहाँ पर स्पीकिंग ऑर्डर पास करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है, सबसे बड़ी बात है ये कि जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें यहाँ पर स्पीकिंग ऑर्डर पास होना जरूरी है। पेडिसन स्टैंड डिस्पोज ऑफ, इस तरीके से यहाँ पर जो है रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन को लेकर यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा डिसीजन आया है। तो ये दोनों परस्पेक्टिव से जो बायर है और सेलर है दोनों के परस्पेक्टिव से अगर किसी का जीएसटी कैंसिल है, किसी क्लाइंट का जीएसटी कैंसिल हो रहा है, तो वो इस वाले जजमेंट ऑर्डर को मेंशन करना है उनको जब भी अपनी अपील बना रहे होंगे या फिर अगर आप रिप्लाई में जा रहे होंगे, ऑर्डर अगर पास हो गया तो अपील में आप जाएंगे और अगर नोटिस के रिप्लाई बना रहे हैं वहां पर भी ये चीजें मेंशन आप कर दीजिएगा पहले ही कि सर यहाँ पर अगर आपको कैंसिल करना भी है तो आप आगे से कैंसिल करें, बैक डेट से कैंसिल ना करें और रिप्लाई जरूर करें। कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन आता है उसको इग्नोर मत करें। यहाँ पर जो मैंने बताया आपको वीडियोज अपलोडेड है, आप वीडियो देख सकते हैं, इनकम टैक्स जीएसटी काफी सारे वीडियोज अपलोडेड है। चैनल के ऊपर बजाय फुल एजुकेशन है, सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखें और जो ड्राफ्ट है आप उनको यूज भी कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।